हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। गवर्नमेंट टू टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 6902 वैकेंसी आई है। TGT, PGT और साथ में PRT टीचर की भी वैकेंसी है। BEd वाले, DLEd वाले, BTC वाले, BSTC वाले बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है इसमें अलग अलग रहने वाली है TGT, PGT, PRT की। आप मान सकते हैं कि जो है मिनिमम 30,000 से अधिक जो है इसमें सैलरी रहेगी। नोटिफिकेशन में देखेंगे, आवेदन जो है 6 जुलाई से 11 जुलाई तक ही जो है चलने वाले हैं। आपके पास जो है 2 दिन का ही समय है। यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल जल्द से जल्द जो है आप लोगों को आवेदन करना होगा। ऑनलाइन ही जो है एप्लीकेशन आप करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से जारी की गई है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सारी डिटेल। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट देख लेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल अंत तक वीडियो के बने रहें। TGT में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सोशल स्टडीज़ की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन अभी हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेंगे। सोशल स्टडीज़ की वैकेंसी है, साइंस टीचर की है, हिंदी की, मैथमेटिक्स, संस्कृत, इंग्लिश। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की, कॉमर्स, संस्कृत, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, PGT में ही हिस्ट्री, हिंदी, ये वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामर की, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट की, शिफ्ट अटेंडेंट की, सुपरवाइजर की और PRT टीचर की। और भी कई वैकेंसी है, तो टीचिंग में जितनी वैकेंसी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब जो है इसमें क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। वैकेंसी जो है कहाँ से जारी की गई है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ये वैकेंसी है। 6902 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। TGT के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या कह रहे हैं, तो BA, BCom एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर BA BCom विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, जिसको BEd कहते हैं हम, या फिर आपने BA BCom किया है 45% मार्क्स के साथ में और 1 साल का आपके पास बैचलर इन एजुकेशन BEd है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी, अगर आपने 12th किया है 50% मार्क्स के साथ में, 4 साल का BLEd किया है, या फिर 12th के साथ, 12th में 50% मार्क्स के साथ में 4 साल BA BCom, BA BEd, BCom BEd, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो है इसमें सोशल स्टडीज़ के लिए कहा गया है कि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट जो है आपने 3 साल पढ़े होने चाहिए और उस सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। इन्होंने कहा है हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो आपने कम से कम पढ़ी हो 3 साल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एक और कंडीशन है, 10th में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो। अगर आपने 12th में, BA में, MA में आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, TGT सोशल स्टडीज़ के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए TGT में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ में BEd आपका होना ज़रूरी है, साथ में आपका हरियाणा टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 10th, 12th, BA, MA किसी में भी आपने हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। ये TGT के टीचर्स के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से साइंस है, हिंदी। आप PGT के लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या कह रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है हरियाणा टेट, अगर आप बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं और आपने एसटेट क्लियर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। PGT बायोलॉजी, तो PGT के लिए देख लेते हैं। इसमें जो है आपने मास्टर डिग्री सब्जेक्ट में की हो,
एमएससी आपने जूलॉजी में, बॉटनी में, बायो साइंस, बायो केमिस्ट्री, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और मॉलिकुलर बायो, आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं। अगर मास्टर डिग्री किया है इन सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ में, ग्रेजुएशन में बॉटनी या जूलॉजी तो एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, बीएड भी जो है आपका इसमें होना चाहिए और एस्टेट भी जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस भर्ती के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनका एस्टेट क्लियर है, चाहे वह हरियाणा के हो सकते हैं या बाहरी राज्य के कैंडिडेट जिन्होंने एस्टेट क्लियर किया है। सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। अब देख लेते हैं सैलरी जो है इसमें क्या दे रहे हैं। पीआरटी की देखें, पीआरटी में जो है 12th 50% मार्क्स के साथ में और 2 साल का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो इसमें जो है बीटीसी, बीएसटीसी, डीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे, बीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें भी जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा का जो टेट है लेवल 1, वो आपका होना चाहिए। हिंदी आपने मैट्रिक में 12th बीए एमए में एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ी हो। और सब्जेक्ट देख लें, कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स विद एक्सपीरियंस अकाउंटेंट के पद के लिए, और इसमें बताया हुआ भी है कि इसमें आपको जॉब अंबाला, चंडीगढ़, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें लिखा है सैलरी जो है आपकी 30,000 से अधिक रहेगी। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये कुछ कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ही जो है इनको रन कर रही है और सैलरी भी जो है बिल्कुल जो डिसाइड की गई है वही आपकी इसमें रहने वाली है। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, परमानेंट नहीं है, सरकारी है लेकिन परमानेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही जो है इसमें लिए जाएंगे। पहले भी जो है इसमें वैकेंसी आई थी तो आप लोगों को बिल्कुल बताई थी। कैसे अप्लाई करना है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे कि TGT इंग्लिश के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे, हर सब्जेक्ट के आगे जो है आपको दिखेगा 6 जुलाई 2024 से लेकर 11 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो स्टेप हो रहेगा वो आप करेंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के आगे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप एस्टेट क्लियर किए हुए हैं, PGT, TGT, PRT के लिए अप्लाई करने के इच्छुक हैं, फीस जो है इसमें बिल्कुल नहीं बताई गई है, बिल्कुल निल है, जीरो है, कोई फीस नहीं है। तो ये जो है इतना ही इन्फॉर्मेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो आप लोगों को मैंने बता दी। और भी जो है वैकेंसी जारी होती हैं, शिक्षक भर्ती के एडवर्टीजमेंट जारी होते हैं, आप लोगों को सूचना वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। रेगुलर बने रहें चैनल पर, यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।